हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाला है रक्षाबंधन, आने वाला है 15 अगस्त और आने वाले हैं बहुत सारे अब फेस्टिवल आने वाले हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही मीठी मीठी रेसिपी बना के दिखाऊंगी और आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी मेरी। तो ये लिया है मैंने ग्राम फ्लोर बेसन लिया है 1 बाउल, और 1 बाउल लिया है मैंने सेमोलिना सूजी लिया है, और 1 ही बाउल लिया है मैंने शुगर चीनी लिया है, और 1 ही बाउल लिया है मैंने देसी घी, और ये लिया है मैंने कुछ काजू और कुछ बादाम, और ये लिया है मैंने 8-10 इलायची, हरी इलायची जिसको मैंने छील के कूट लिया है, पीस लिया है इनको। ये लिया है मैंने खरबूजे के बीज, और ये लिया है मैंने थोड़ा सा, एक चुटकी मुझे कलर डालना है लड्डू में कलर के लिए। ओके, तो और ये लिया है मैंने डो बनाने के लिए पानी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आज बेसन और सूजी का बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाने दिखाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले अपना फ्लेम करते हैं चालू और हम अपने ड्राई फ्रूट्स पहले रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने रख दी अपनी कढ़ाई और इसमें डालती हूँ मैं 1 स्पून मैंने घी डाल देती हूँ, और अपने काजू बादाम रोस्ट कर लेती हूँ उसमें, और अपने काजू बादाम डाल के इसे हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ इसमें, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको हल्का सा फ्राई करने से उनमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और अच्छी खुशबू आ जाती है। तो मैं इन्हें 2 मिनट के लिए हल्का गोल्डन कर लूँगी। तो हो गए हैं 2 मिनट और हल्का गोल्डन कलर इनका आ चुका है। तो मैं पलट लेती हूँ इनको एक प्लेट में, तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी घी में डाल देती हूँ अपने खरबूजे के बीज, और इनको भी मैं कंटिन्यू लगातार चलाऊंगी जब तक ये फूल नहीं जाते हैं, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है। तो ये भी 2 मिनट हो गए हैं, हल्की गोल्डन हो गए हैं, तो मैं अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद और इनको पलट लेती हूँ। तो मेरे ड्राई फ्रूट्स, ये खरबूजे के बीज और ये काजू बादाम मेरे फ्राई कर लिया है, इनको रख देती हूँ एक साइड में। और सबसे पहले हम अपना डो रेडी कर लेते हैं। तो ये मेरा बेसन है, तो बेसन डाल लेती हूँ, और इसके बाद में डालूंगी ये सूजी लिया है, सूजी डाल लेती हूँ, सिमोलिना एंड ग्रैम फ्लोर दोनों को डाल लिया है मैंने। और इसके बाद मैं इस डो में डालूंगी देसी घी, तो मैं 2 बड़ा चम्मच में घी डाल देती हूँ, और इस सबको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और डो मेरा एकदम बनने लगा है। तो मैं इसमें, और ये मैंने छोटा सा लिया है, ये थोड़ा सा ये है पीला कलर है, तो इसमें डाल लेती हूँ, और मैं इसको भी कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, जिससे लड्डू का कलर एकदम बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो रेडी कर लेती हूँ, बिल्कुल टाइट पूड़ियों वाला। फ्राई करने के लिए अपना ऑयल रख दिया है और गैस भी अपनी चालू कर दिया है। तब तक मेरा ऑयल गर्म होता है, तब तक मैं अपना डो, मेरा डो है ये, इसको मैंने बिल्कुल टाइटली कर लिया है, टाइट एकदम। तो मैं इसकी थोड़ी सी लोइयां तोड़ लेती हूँ इस तरह से, और मुझे इन लोइयों को फ्राई करना है। तो मैं इसके इस तरह से इसकी लोइयां बना लेती हूँ इस तरह से लंबे साइज में यूँ, और मुझे इनको करना है फ्राई इस तरह से। और देखिए, आज आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बना के दिखाऊंगी मैं, देखिए इस तरह से। और आप इनको लंबे शेप में बना लीजिए, और इस तरह से मैंने अपनी ये लोइयां लंबे साइज में इस तरह से बना ली हैं, और अब मैं इनको फ्राई करूंगी। तो ऑयल हो गया है मेरा गरम, तो मैं डालती हूँ इसमें और इनको कर लेती हूँ हल्का गोल्डन ब्राउन। तो मैं डाल लेती हूँ पहले इनको, इनको मैं कर लेती हूँ फ्राई, और मुझे इनको स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे आराम से तलना है, इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो धीरे धीरे अलटते पलटते मैं इनको धीरे धीरे पकने देती हूँ, ताकि इसका सूजी का और बेसन कच्चापन बिल्कुल निकल जाए इससे। तो इधर मेरे ये बेसन के सिक्के हो रहे हैं रेडी, सूजी और बेसन के ये मैंने जो ये पकौड़े टाइप में बनाए हैं, ये मेरे सिक्के धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। उधर मैं अपनी चाशनी बना लेती हूँ। तो मैंने लिया है ये 1/2 ग्लास पानी लिया है, और ये लिया है मैंने 1 बाउल लिया है मैंने चीनी, तो चीनी डाल देती हूँ इसमें, और इसकी मैं बिल्कुल पतली चाशनी बना लूँगी, मुझे इसमें कोई भी तार नहीं बनाना है, एकदम पतली चाशनी बनानी है, सिर्फ हाथों को चिपचिपा करने वाली। तो मैं अपनी चीनी को लगातार चलाती रहूँगी ताकि ये तले में ना चिपक जाए, और मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ इसी तरह से। और इधर मैं इसका भी ध्यान रखूँगी,
तो मेरे ये बेसन और सूजी के ये पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं। देखिए हल्का गोल्डन कलर आया है, इसी तरह का मुझे कलर चाहिए। तो अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद और इनको पलट लेती हूँ पहले। तो मेरी चाशनी में आ गया है उबाल और मेरी चाशनी उबलना शुरू हो गई है। और ये मुझे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है ना, इसमें कोई तार बनाना है, सिर्फ हाथों में हल्की हल्की चिपकनी चाहिए। पतली चाशनी बनानी है, अगर मैं गाढ़ी चाशनी बनाती हूँ तो मेरे सारे लड्डू खराब हो जाएंगे। तो मैं इसे 2 मिनट और उबालूंगी अभी। उधर मेरे सूजी और बेसन के ये मैंने पकोड़े बनाए थे ये रेडी हो गए हैं। इनको मैं एक कटोरी से तोड़ लेती हूँ, इस तरह से इनको तोड़ लेती हूँ और इनको ठंडा करके मैं मिक्सी में डाल के इनका एकदम बारीक बना लूँगी। इनको कर लेती हूँ मैं पहले ठंडा और उधर देखती हूँ। उधर मेरी चाशनी हो गई है बन के रेडी और पतली है ये बिल्कुल, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। चाशनी मेरी रेडी हो चुकी है और मैं अपने ये ठंडे कर लेती हूँ पहले। मेरे ये हो गए हैं सूजी बेसन को मैंने तोड़ लिया है और ये ठंडे हो गए हैं, तो मैं डालती हूँ इसे मिक्सी के जार में और मैं कर लेती हूँ इनको और फाइन कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी गांठ ना बचे। तो मैं इनको कर लेती हूँ ग्राइंड, ठीक। और इसे मैं छलनी में निकाल लेती हूँ और इसको मैं छान लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी गांठ ना आए। इसको छान लेती हूँ मैं और आप अपनी सुविधा के अनुसार से आप इसे छान लीजिए ताकि इसमें कोई भी गांठ ना बचनी चाहिए, वरना आपका लड्डू खराब हो जाएगा। तो मैंने सबको पीस लिया है और इसके जो भी गांठ थी वो सबको मैंने पीस लिया है इसे, और इसमें अब कोई भी गांठ नहीं है। और अब मैं इसमें इलायची पाउडर, अपना इलायची पाउडर डाल लेती हूँ और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उनको भी डाल लेती हूँ। और इसको डालने के बाद मैंने जो चाशनी रेडी की है और थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते हुए मुझे इनका लड्डू बनाने लायक इसको बनाना है, गीला करना है। और आपकी चाशनी में कोई तार नहीं होना चाहिए, अगर आपकी चाशनी थोड़ी सी भी गाढ़ी हुई तो आपके लड्डू एकदम टाइटली बन जाएंगे। और इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको चाशनी अपनी थोड़ी पतली ही रखनी है। तो आपको दिखा देती हूँ कि एकदम दानेदार मेरे ये बेसन और सूजी के लड्डू बनके तैयार हुए हैं और मुझे ज़्यादा इसमें अपनी चाशनी नहीं मिलानी है, जितना आराम से ये बन सके उतनी ही बनानी है। और आपको दिखाती हूँ एक लड्डू बना के, और आप अपने साइज के लड्डू बनाइए, छोटे बड़े जैसे भी। और आप देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया एकदम बेसन के लड्डू बनके रेडी हुए हैं। और आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हो। और इसी तरह से मैं अपने सारे लड्डू रेडी कर लेती हूँ। और बहुत ही अच्छे लड्डू बनके रेडी हो रहे हैं, मेरा तो अभी से खाने को मन कर रहा है। तो मैं अपने सारे लड्डू ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ पहले। तो इस तरह से मेरे सारे लड्डू हो गए हैं एकदम रेडी और बहुत ही बढ़िया एकदम हलवाई की तरह लड्डू बनके रेडी हुए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लड्डू देखने में। और आप इस रेसिपी को रक्षाबंधन पर ट्राई कर सकते हो, त्योहारों पर ट्राई कर सकते हो, और बहुत ही इजिली बन जाते हैं। और जो इस मेथड से मैंने आपको बनाना दिखाया है उससे ना तो आपकी सूजी कच्ची रहेगी और ना ही आपका बेसन कच्चा रहने वाला है। तो आप बिना झंझट के इन स्वादिष्ट लड्डुओं को बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं करूँगी आपके कमेंट का इंतज़ार। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल, अपना रखिए और अपनों का रखिए ख्याल। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। ओके बाय, सी यू, टेक केयर।